हेलो एवरीवन, और स्वागत है आप सभी का एमडीटेक इंडिया के एक और नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा कि अगर आप लोग जब भी एक न्यू स्मार्टफोन परचेस करते हैं, जैसे कि अभी मैंने ये न्यूली लॉन्च आईटेल S23 परचेस किया है, तो इस कोई भी न्यूली स्मार्ट लॉन्च स्मार्टफोन में जो आप इनिशियल सेटअप करते हैं तो उसको कैसे किया जाता है कि आप कम से कम ब्लोटवेयर और कम से कम एड्स ये सब का ऑप्शन रहे, और आपको क्या क्या इनिशियल सेटिंग करके रखना चाहिए जो कि आपको लॉन्ग टर्म में यूजफुल रहेगा। तो अभी ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं और ये वीडियो को हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। तो वेलकम बैक एवरीवन। तो सबसे पहले आपको अपना फ़ोन को जो है ऑन कर लेना होगा। तो कोई भी स्मार्टफोन जब आप सबसे पहले बूट कीजिएगा, यानी तो जैसे हम बता दें कि जब भी आप कोई भी स्मार्टफोन को सबसे पहले पावर ऑन कीजिएगा तो आपको यहाँ पर लैंग्वेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है। अगर आप लोग इंडिया से तो आप लोग आराम से यहाँ पर ये इंग्लिश जो है यहाँ पर आपको यहाँ पर आपको अगर दूसरा लैंग्वेज रखना चाहे कोई दूसरा लैंग्वेज जैसे हिंदी मराठी पंजाबी या फिर कोई जो भी लैंग्वेज रखना चाहे उर्दू रखना चाहे कुछ भी रख सकते हैं, पर अभी हम लोग जो है यहाँ पर इंग्लिश रखेंगे। और अगर आपको यहाँ पर इंग्लिश में का इंडियन रीजन नहीं मिलता तो आप लोग इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स रख सकते हैं। उसके बाद आपको अपना कंट्री सेलेक्ट करना है, जो आपका कंट्री है वो सेलेक्ट करना है। तो अभी हम लोग इंडिया से है तो आपको हम लोग इंडिया सेलेक्ट कर रहे हैं। तो उसके बाद आपको सिम कार्ड इंसर्ट करना है, तो अभी हम लोग सिम इंसर्ट नहीं कर रहे हैं, अभी इसको हम लोग स्किप कर रहे हैं। और यहाँ पर जो अभी हम लोग वाईफाई से कनेक्ट करते हैं इसको, तो यहाँ हम लोग कर लिए अपने वाईफाई से कनेक्ट। आप चाहे तो इसको स्टेप को स्किप भी कर सकते हैं। और यहाँ पर जो है इसको रिस्ट यहाँ पर ये दिखा रहा है कि कुछ ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, तो ये हर डिफरेंट फ़ोन के अनुसार अलग रहता है, किसी में रहेगा किसी में नहीं रहेगा। इसको करते हैं नेक्स्ट। फिर यहाँ पर जो है हम लोग को ये जो ये जॉइन इन यूज़र एक्सपीरियंस प्रॉब्लम है इसको आपको जो है ऑफ कर देना रहेगा, इससे जो है आपका बहुत सारा डेटा सेव होता है। इसको फिर नेक्स्ट कर लीजिएगा। और क्योंकि आजकल जो भी फोन आते हैं वो उसमें आपको वो एंड्रॉयड बेस्ड ही रहते हैं, कुछ अलग जैसे कि एमआई के फोन्स या रियलमी के फोन्स वो अपने कस्टम यूआई के साथ आते हैं, तो वो अपना MIUI सेटअप MIUI का या अपना जो खुद का UI होता है जैसे MIUI रियलमी UI OneUI या कलर OS वो सबको सेट करते हैं। तो इसमें भी थोड़ा टाइम लगता है, जैसे ही अभी कंप्लीट होता है थोड़ा सा ये फ़ोन रेडी होता है उसके बाद फिर हम लोग ये वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो उसके बाद जब वो आपका कुछ इनिशियल सेटअप हो जाता है गूगल के साइट से ही, तो यहाँ पर एक ऑप्शन आता है कि ऐप्स और डेटा को कॉपी करने का। अगर आप बिल्कुल ही न्यू फ़ोन ले रहे हैं और आप पूरा आपके पास कोई पुराना फ़ोन नहीं है जिससे आप डेटा कॉपी कर सकें, तो आप उसके लिए यहाँ पर डोंट कॉपी कर सकते हैं या फिर आप इसको नेक्स्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई पुराना डेटा कॉपी करना है बट उसमें आपके लिए ध्यान रखिएगा, आप अपने केवल फोटोज़ कॉन्टैक्ट्स और जो आपका गूगल अकाउंट है कि वही ट्रांसफ़र कर सकते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं ट्रांसफ़र कर सकते। तो अभी हम लोग इसको पूरा न्यू सेटअप कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर इसको डोंट कॉपी करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम लोग का इन्फो चेक कर रहा है कि कुछ कि अपडेट्स है कि नहीं, कुछ अपडेट्स अवेलेबल है कि नहीं, तो अभी कोई अपडेट्स चेक कर रहा है। तो ये अपडेट्स भी थोड़ा सा टाइम लगता है चेक करने में, और ये जैसे अपडेट्स ओके यहाँ पर क्लियर हो गया अपडेट्स भी चेक हो गया। अब यहाँ पर आता है कि आपको गूगल में अपना एक जीमेल आईडी या कोई भी गूगल अकाउंट में साइन करना है। अच्छा, अगर आपके पास कोई भी गूगल आईडी है तो आप डायरेक्ट यहाँ पर इसको यहाँ पर ईमेल से लॉगिन कर सकते हैं, या फिर आप कोई न्यू अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, या फिर चाहे तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पर साइन इन करेंगे क्योंकि हम लोग को अभी प्ले स्टोर से ऐप्स भी सिलेक्ट करना है, तो अभी हम इसको साइन इन करते हैं अपना ईमेल आईडी से। तो ऑलराइट, अभी जैसे कि हम लोग यहाँ पर एक न्यू जीमेल आईडी क्रिएट कर रहे थे, और वहाँ पर जीमेल आईडी क्रिएट करने में हम लोग को एक ऑप्शन आता है कि ऐड फ़ोन नंबर, कि हम लोग अपना जो जीमेल आईडी है उसमें फ़ोन नंबर अपना अटैच करना चाहे कि नहीं करना चाहे। तो वहाँ पर एक नीचे में आपको मोर ऑप्शंस आता है जिससे कि आप लोग जो है आप अपना जो है फ़ोन नंबर ऐड करना चाहे नहीं करना चाहे। तो अभी हम लोग अपना फ़ोन नंबर ऐड नहीं करेंगे,
और ये हम लोग का जो है ईमेल आईडी हो चुका है रेडी। अब हम लोग करते हैं इसको नेक्स्ट। और फिर यहाँ पर कुछ टर्म्स आता है जिसमें कि हम लोग क्या क्या रखना है। इसमें आपका आता है कि हम लोग जो अपना वेब एक्टिविटी है उसको चाहे तो अपने गूगल अकाउंट में सेव करना चाहे वो कर सकते हैं, जिसको हम लोग नहीं करेंगे। फिर एड्स पर्सनलाइजेशन, यहाँ पर हम लोग को एड्स जो है वो यूट्यूब पे या उस पर जो एड्स पर्सनलाइज करेगा वो दिखाएगा नहीं दिखाएगा, तो हम लोग इसको यस भी कर सकते हैं नो भी कर सकते हैं। ये आपका उतना कुछ इफेक्ट नहीं करता दूसरे ऐप्स पे। फिर यूट्यूब हिस्ट्री, इसको भी ऑफ कर लेते हैं। और ये जो है सबसे लास्ट में सेंड मी ओकेजनल रिमाइंडर्स, इसको ये सिलेक्ट नहीं करना है क्योंकि इससे आपका ईमेल में ही काफ़ी ईमेल्स आते रहेंगे, प्रमोशनल ईमेल्स आते रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो इसको हम लोग अनसेलेक्ट कर दिए थे, सिलेक्ट नहीं किए थे। और ये जो है अभी हम लोग का गूगल अकाउंट क्रिएट हो रहा है, तो ये लेता है थोड़ा सा और टाइम। और ये जब क्रिएट हो जाता है तो उसके बाद फिर आपको आगे बात करते हैं। और यहाँ पर ये क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पर ये है कि ये हम लोग का बैकअप के लिए भी बोल रहा है कि हम लोग इसका बैकअप ले सकते हैं कि नहीं, या फिर ये यूसेज डेटा को सेंड करने के लिए, तो इसको हम लोग कर देते हैं ऑफ। उसके बाद यहाँ पर कुछ ऐप्स है जो कि डाउनलोड होंगे अभी। उसके बाद ये अलाउ स्कैनिंग, ये है लोकेशन इनेबल करने का ऑप्शन है, तो हम लोग इसको करते हैं एक्सेप्ट। और यहाँ पर ये गूगल असिस्टेंट को ऑन करने का है, तो अभी हम लोग कर लेते हैं इसको स्किप क्योंकि हम लोग का गूगल असिस्टेंट ऑन करना नहीं है। और ये हो चुका है हम लोग का रेडी। और ये अभी बस ये कुछ फाइनल सेटअप हो रहा है, तो एंड्रॉयड डिवाइस में सेटअप करने के लिए बस इतना रहता है। बट अगर आपको आपका जैसे कि कोई MIUI है या दूसरा आईडी है, जैसे कि यहाँ पर ITIL आईडी हो जाता है, तो यहाँ पर इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। चाहे तो अपना जो जिस कंपनी का आया है उस कंपनी का वो कोई भी आईडी डाल सकते हैं, जैसे कि MIUI का है तो MIUI ID या Realme का आईडी, OnePlus Mate आईडी, ऐसे बहुत सारे डिफरेंट कंपनी से डिफरेंट रहते हैं। तो हम लोग करते हैं इसको स्किप और इसको हम लोग बाद में भी डाल सकते हैं। फिर यहाँ पर आपको फिंगरप्रिंट डालने का, पासवर्ड डालने का सबका ऑप्शन रहता है, तो आप इसको अभी डाल सकते हैं। हम लोग अभी इसको स्किप करते हैं। फिर आपको पता है कि ट्रांसफ़र डेटा का, यानी कि हम लोग अपने कोई भी पुराना डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं नहीं कर सकते, तो अभी हम लोग नहीं कर रहे हैं। आप लोग चाहे तो आगे कर भी सकते हैं। ऑलराइट, तो ये हो चुका है हम लोग का रेडी। तो इस तरीके से जो है आप लोग कोई भी जो है अपना स्मार्टफोन को इंस्टॉल कर सकते हैं।